मोर्चे का जो इन्हों पार्टी बनानी चाहिए पहली गल तो इन्हें कदम डरे खत्म हो जाना फिर चन्नी के हल्के में जो तुम थोड़ा जि जाकर उत्तर साढ़ा टोभा देख लो मैं न्याणे डुब के मरने वाला काम है का। कांग्रेस देख ली बीजेपी देख ली अकाली देख ले सारा किसी ने डाई नहीं गल ये है बस ठीक ज कांग्रेस के नाल रल के कोई काम नहीं किया ये थोड़े नाल रल के किदां वादे पूरे कर दूगा भी आने वाले टाइम में जो ये काम नहीं करूंगे इन्हां दे छित्तर मारूंगे असीं इन्हां पर छित्तर फिरूगा आने वाले टाइम में जी इलेक्शन कमीशन इन्हां दे लिखती लवे अगर ये नहीं वादे पूरे होंदे तां इन्हां दी मौके ते ही सस्पेंड होनी चाहिए सरकार सत श्री अकाल जी मैं के बी ब्राड है तुसी देख रहे हो चैनल शान पंजाबी मान पंजाब दा 2022 दीआं विधानसभा चोणां बिल्कुल नज़दीक आ रही ने कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी दे नाल नाल हुण संयुक्त किसान मोर्चा पार्टी भी चोण मैदान दे विच जो है उतरी हुई है इसे दे दरम्यान कशमकश जारी है कि हुण अगली सरकार है जो पंजाब दे विच किस दी बनेगी इसे दे बारे गलबात करन दे लई अपने नाल कुछ लोग मौजूद ने आम लोगों दे नाल आपां गलबात करांगे कि किस दी सरकार है जो हुण ओह पंजाब दे विच चाहुंदे ने सो गल करांगे इन्हां दे नाल सत श्री अकाल जी की नाम है सर तुहाडा मेरा नाम हरजीत सिंह है जी हरजीत जी तां जिवें कांग्रेस नूं भी देख लिया काफ़ी टाइम लोगों ने है ना बीजेपी अकाली दल नूं पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी भी काफ़ी टाइम तो चोणां दे विच आ रही सी पर मौका नहीं दिता गया तो किन्हां दी तुसीं चाहोगे कि सरकार हुण पंजाब दे विच बने देखो जी जिदां आपां दिल्ली दे विच देखदे हां कि बहुत हद तक एजुकेशन दा ते होर हैल्थ दा काफ़ी ध्यान रख्या गया सरकार ने जी असीं भी चाहुंदे हां कि पंजाब दे विच कोई इदां दी सरकार आवे ते पंजाब दा सिस्टम है जो लिहती थले उतरे वह इनू रफ्तार फड़े तो पंजाब दे विच तरक्की होवे जी तो जिवें कि आम आदमी पार्टी की तुहाडे वल्लों मांग की गई है तो बाकी पार्टियां तो तुहानू हुण तक की परेशानी आई है देखो जी परेशानी है जी सानू तो लगता नहीं चंडीगढ़ के बहुत क्लोज हैं तकरीबन साडा पिंड 7-8 किलोमीटर ते ही पैंदा जी तो अजे तक भी साडे नालियां जां सीवरेज का सिस्टम कुछ है नहीं जी तो ऑलरेडी जे जिहड़ी सरकार आउंदी उह वही कहिंदी है जी असीं कोई नहीं जी असीं इह दोंगे जी उह दोंगे पर करदे कुछ नहीं जी ग्राउंड उत्ते देखे जावे कुछ नहीं करदे तो सर तुहाडे नाल अगर गल कीती जावे पंजाब दे विकास बारे या फिर पंजाब दी अगली सरकार दे बारे तुसीं की कहना चाहोगे किहनूं चाहुंदे हो कि सत्ता दे विच किहड़ी सरकार आवे सत्ता दे विच तां सरकार उह आउणी चाहीदी है जिहड़ी लोकां नूं बारे सोचे इह आए कांग्रेस आई कांग्रेस दा 4.5 साल तां कुछ नहीं करिया हुण 6 महीने 2 महीने ते चरणजीत सिंह चन्नी है ऐलान करदा पिया इहदे वी कुछ नहीं हो रिहा ठीक नहीं काम तो जी सारा यूथ तो बाहर जा रहा 20-20 लाख रुपए एक मा न्याण पर ला के भेजते हैं जमीन बेच दिता मालिक जाओ बाहर कहते जा रहा भाई सरकार की नीतियां ही माड़िया और क्या है 20-20 साल हो गए मुलाजम रखे हुए तो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लुट मचाई भी टीमें की चैना कड़ लेंगे गला मत एक SHO 20 लाख देगा लगता पता नहीं इन्होंने है घर के बाहर बैठे टीमें बालियां कड़ लेंगे खेतों भी सेफ समझी जाती तीमियाँ उठा भी तातियाँ खेल खो खो के तो बालियाँ कड़ लिया एक तहसीलदार करोड़ देगा लगता है वो पैसे खाऊगा और क्या करूँगा मंत्री ने लुट मचाई हुई है जिमें कि बीजेपी तो भी काफ़ी परेशान से लोग हुण वो रद्द हो गए वो सानू कोई इशू नहीं है हुण बीजेपी ने जिवें काले कानून रद्द कर दिते हुण 5 तरीक नूं है ना PM मोदी है जो पंजाब आ रहे हैं लेकिन उससे भी कहा जा रहा है कि उन्हों का विरोध किया जाएगा किस नज़रिए ना देखते हो इसनूं विरोध हुण होना नहीं चाहिए जी नहीं होना चाहिए हाँ जी जो रद्द करते उन्होंने वो तो खत्म ही हो गया मैटर है बहुत गलत था वो तो हम मैटर खत्म है हूँ तो विरोध का कोई चांस नहीं ना करना चाहिए आखिरकार प्रधानमंत्री है देश के अगर आप गल करिए जिवें लोगों का यही कहना ज़्यादातर कि कांग्रेस में असं देख चुके हैं उन्होंने की काम किए अकाली दल में भी देख चुके हैं एक नवी पार्टी मौका देना चाहिए इसलिए वो आम आदमी पार्टी की मांग कर रहे हैं पर इस टाइम नवी पार्टी संयुक्त किसान मोर्चा भी हुण किसानों की पार्टी भी नवी आई है वो बारे की कहना चाहोगे कि अगर उन्होंने मौका दिता जाए एक बार मोर्चे का जो इन्हों पार्टी बनानी चाहिए पहली गल तो इन्हें कदम डर खत्म हो जाना फिर जो डर था सरकार के उपर यह डर खत्म हो जाएगा अगर वोट नहीं पे कर दी सर देहाती वोट कि सीटा है 22-23 सीटा देहाती है उन्होंने तो SC BC निकल जानी है
ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਥੋੜੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ 2022 ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟੇ ਨਾ ਪਾ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਲੂਗਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟੋਭਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਨਿਆਣੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਹੈ ਹੈਂ ਆ ਮਾੜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਆ ਉਮੀਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰ ਦੂਗਾ ਚੰਨੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਤੋ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲੋਨ ਤੇ ਕਿਆ ਰਿਬੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਜਰਨਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੋਨ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੂਰਾ GST ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹੁਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਫਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਫਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਰਨਲ ਕੋਟੇ ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਹੋਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜੋ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਸਰ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਬੜੇ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦੇਖ ਲਏ ਸਵਾਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉੜ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਹੱਦ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਪਏ ਦੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗੇ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਝੂਠੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟੇ
और अगर सर तुहाडे कोल आपां पुछिए किहड़ी सरकार नूं समर्थन करदे हो या किन्हां नूं चाहुंदे हो, जिवें काफ़ी लोगों के वलों नवीं पार्टियां दी ही मंग की जा रही है कि असीं अकाली दल कांग्रेस बीजेपी नूं देख चुके हैं। नहीं, इन्हां नूं तां देख चुके जी, असीं अपना कांग्रेस भी देख ली, अकाली दल भी देख लिया, बीजेपी भी देख ली, असीं तां हुण आम पार्टी नूं मौका देना चाहते हैं। जो आने हैं जे वह जिकना वह गल्लां करदे हैं ते जे वह करनगे तां वह अगे नूं आ जाऊंगे, नहीं अगे अगे नूं फिर ताड़ देंगे। ऐ भी पंज साल सानूं एक बार वोट दे के सानू थोड़ी जी तकली वो हों भी जेड़े नहीं करते जिकना हूँ कैप्टन ने वादे करे थे घर घर नौकरी ए कर दूंगा वो कर दूँ, कुछ नहीं करे जी उन्हें। हूँ वो बीजेपी नाल रल गया जाके ऐ दसो हूँ उधर बीजेपी नू भी चाहिदा था, बीजेपी नू शर्म आनी चाहिए थी भी यह जे बंदे ने ज कांग्रेस के नाल रल के कोई काम नहीं किया, ये थोड़े नाल रल के किदा वादे पूरे कर दूंगा। आम आदमी पार्टी के भी जिम्मे दिल्ली के कई बिलों वगैरह में लैके भी सवाल चुके जा रहे हैं, कि लगता है कि पंजाब के जोड़े उन्होंने वादे किए हूँ है ना मैनीफेस्टो दस्या है असं ये वाली चीज़ा करा ऐलान किए गए वो खरे उतरन उम्मीदा से नहीं उत्थे तो हूँ जितना दिल्ली में दिखा रहे हैं जी मैडिकल सुविधा फ्री है ठीक है जी साढ़े सानू चाहिए क्या सानू तीन आइटम चाहिए साढ़े बच्चों एजुकेशन फ्री हो जाए ठीक है जी सानू बिल बुल भी नहीं माफ चाहिए सानू लोड़ है असं भरी जाऊँगे मैडिकल माफ़ हो जाए एजुकेशन माफ़ हो जाए ठीक है जी ये चीज़ा सानू चाहिए एक आह जो भी है कंस्ट्रक्शन के काम ये वधिया ढंग सिर होण हुण बिजली के खंभे लाने कोई तुम कोई देख लो भी सीधा हो सारे टेढ़े होंगे हालांकि इन्हों इंजीनियर भी चैक करके जाने हैं इन्हों का सारा वो हों इंप्लीमेंट देखते हैं पर वो पता नहीं किदा पास कर जाने हैं जो कोई ठेकेदार चीज़ बनाता है तो वो भी तो ठेके देखते हैं आके इंजीनियर चैक करते हैं भी ये सही होया कम नहीं सही होया कोई बिजली का खंभा तुम मैं सीधा दिखा दो खड़ा होया वा सब साढ़े टेढ़े हैं कोई इधर टेढ़ा कोई उधर टेढ़ा भी वो कितना क्या फिर कोई है वो नहीं सिस्टम पैसे लेके सारे खाई जाने हैं सानू मूर्ख पांच साल बाद बनाने हैं ठीक है जी पर हुण सानू थोड़ी जी सोशल मीडिया के राही जिदा हूँ तुम है ठीक है जी वो ही सानू थोड़ा जा पता लग रहा है भी आने वाले टाइम में जो ये काम नहीं करूँगे इन्हों के छित्र मारूंगे असं इन्हों पर छित्र फिरूगा आने वाले टाइम में जी। तो सर जो आप गल करिए पहला अकाली दल तो बीजेपी का गठजोड़ हों है ना किसान के संघर्ष के दौरान इन्हों का गठजोड़ टुट गया हूँ कांग्रेस के जेड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह से उन्होंने वालों आप अहदे तो अस्तीफा दे के है ना नवी पार्टी पंजाब कांग्रेस पार्टी बना के तो बीजेपी के नाल गठजोड़ कर लिया गया इन्हों के गठजोड़ में किमें देखते हो कि इन्हों मौका देने लोग होपलैस बंदे ने दोनों होपलैस जो गठजोड़ होपलैस होया कोई कामयाब नहीं होंगे लोगों बुद्धू बनाते हैं हुण आम आम पार्टी तुसीं गल करदे आ आम पार्टी ये भी कहते हैं हाँ बनाओ असीं कहते उन्हें हज़ार हज़ार रुपया अठारह साल की जिहड़ी उम्र वाले बच्चे हैं लेडीज़ हैं उन्होंने देने का वादा किया अपने तो वह दे नहीं रहा उत्ते दिल्ली तो हज़ार रुपया जमा नहीं करवा रहा बंदे हाँ वो भी सवाल चुके जा रहे मेन गल है सारे वादे करते बड़े देसी घ्यो भी दूंगे जी बलैती घ्यो भी दूंगे सारे करते हैं पर दंदा दंदा दाना कोई नहीं है नोटा नूं पा के आनी चाहिए फिर है नोटा नूं वोट पा के आनी चाहिए सारे चलो कहीं पाइए कुछ समझ नहीं आती पानी पैंदी है मतलब यह है ना वोट तो पानी पैंदी है गल इत्थे आ जांदी है क्योंकि पांच साल बाद हर एक बंदे नूं मौका मिलता है वो उन्हूं तो निभाना ही पैंदा ना ड्यूटी अपनी निभानी पैंदी है गल होर कोई गल मैं इक्को गल कहनी चाहुंदा है भई जिहड़ियां पार्टियां वायदे करदियां ना इन्हां ते लिख लेनी चाहीदी है भी जिहड़ा बंदा कहिंदा भी मैं कोर्ट एग्रीमेंट होना चाहिए सारियां कंपनियां ते पार्टियां ते जिहड़ी पार्टी नहीं वायदा करूगी उधर पर जुर्माना आया उधर पेपर हूँ पेपर बच्चा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन है ना तो जो मांग पत्र अपना शपथ पत्र दने हैं इलेक्शन कमीशन है ना तो लिखती लवे अगर ये नहीं वादे पूरे होंगे तो इन मौके पर ही सस्पेंड होनी चाहिए सरकार इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है जो शपथ पत्र दने हैं वो पूरा होना लागू होना चाहिए नहीं लागू होंगे तो मौके पर ही सरकार सस्पेंड होनी चाहिए भी तुम वादे मुताबिक काम नहीं कर झूठ बोलते फिरी जाते हैं किसी किसी कोई दुकान वाला है कोई जिमीदार झूठ बोलते है ये मैं फलाना दूंगा केजरीवाल कह दूंगा कह दो कोई कुछ नहीं दिता है इन्हों से लिखती रूप मानना चाहिए सारिया पार्टियां लिख के दो जी पार्टी नहीं बोझा पूरा करेगी तो नीचे वाली पार्टी जी हारी भी है उसने दो देनी चाहिए है की है मंगा है आने वाली यही है जो झूठ बोलते सू होर कोई मंगनी चाहिए सूँ कुछ नहीं चाहिए ये झूठ बोलने से हटाने हैं ये झूठ बोल के जो कहें असं आ दूंगे असं आ दूंगे इन्हों के सैन होने चाहिए है जे सैन जी पार्टी जीतती है वो नहीं पूरे करती तीन महीने में चार महीने में करती फिर उसे नीचे वाली पार्टी पावर देनी चाहिए मौका देना चाहिए।
आने वाली विधानसभा चोणा 2022 दी विधानसभा चोणा जो आ रही हैं उस कि समर्थन दे रहे हो सर? मैम गल इदा हैगी भी लोग एक तो हों दो चित्ती दे विच अजक लोगों का मतलब माइंड इदा होया पाया भी किसी को समझ नहीं आ रही कि किनू वोट दी जाए क्योंकि हर एक बंदा उठता पार्टी बना लैंदा ता मतलब लोगों को यह नहीं पता चल रहा कि वोट पाई किनू जाए। बाकी यह है भी रवायती पार्टियां आप देख चुके हैं दस दस साल भी साल उन्होंने राज किया कांग्रेस को 65 साल हो गए राज करदी नू उन्होंने कोई एडा किया नहीं है लोग पिंडां दे गलियां नालियां तक सीमित होकर रह गए उन्होंने सानू कोई किसी पार्टी की भीख की लोड़ नहीं हैगी सानू कोई राशन नहीं चाहिए किसी तो सानू कोई वो नहीं जिहड़े करन वाले काम है एजुकेशन दिती जावे सानू रुजगार दिता जावे असी राशन असी अपना आप खरीद सकते हैं सानू कोई दाल चीनी की कोई कणक की लोड़ नहीं असी आप खरीद सकते हैं जे असी कमावांगे तो असी अपना आप ले लांगे। ठीक है नौजवान बेरोजगारी इन्नी हो गई है जवाक नशियां ते लग गए पिंडां च जाके देखो तुसी किड्डा बुरा हाल होया पिया है घरां दे घर तबाह हो चुके हैं नशे नाल हुण सानू कोई होर तां ऑप्शन नज़र नहीं आ रही तीजा बदल एक आम आदमी पार्टी बची है उहनू असी देखना चाहवांगे क्योंकि इस तों इलावा ऑप्शन कोई नहीं। बाकी तीनों पार्टियां दा अकाली दल बीजेपी कांग्रेस दा जोर लग्या पिया है कि बीजेपी बना ली जावे आम आदमी पार्टी ना आवे पर आम आदमी पार्टी ते भी कितने कितने दिल्ली दे विच भी सवाल उठ रहे हैं उन्हां दे कम्मां ते लगदा भी पंजाब दे विच खरे उतरनगे ओह नहीं। देखो जी कोई बंदा चंगा काम करदा उहनू सारे चंगा तां कहिंदे नहीं हुंदे कुछ परसेंट लोग माड़ा भी कहिंदे आ कोई जरूरी नहीं है भी चलो इन्हां नालों तां फिर भी चंगे आ बाकी पार्टियां नालों नवी पार्टी की अगर आप गल करिए नवी पार्टी संयुक्त किसान मोर्चा किसान की भी बनी उन्होंने बारे की संयुक्त किसान मोर्चे का कल का बयान हैगा कि वो अलायंस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नाल राज्यपाल साहब का कल बयान आया कि आम आदमी पार्टी ने उन्होंने ऑफर की है चाहे सीएम के चेहरे लिए आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि असं ऐलाने उम्मीदवार तो जो भी फिर बदल कर सकते हैं तो यही है भी उहदे नाल भी सानू यही लग रहा कि ऑप्शन आम आदमी पार्टी ही हैगी है और कोई सानू नज़र नहीं आ रहा कि किहदी सपोर्ट की जाए।